आपको अपना बैकग्राउंड दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये भी दिन का टाइम है गाइस, यहाँ पर मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पर हो गजब का मौसम, इतना मौसम गजब का मौसम रहता है गाइस कि आप यहाँ पर आओगे ऐसे फीलिंग आप यहाँ से लेके जाओगे अपने साथ, आप याद रखोगे यार, क्योंकि यहाँ पर अभी मुझे दिन के टाइम पे ही यहाँ पर इतनी बेटर फीलिंग आ रही है, तो आप समझ सकते हो कि मॉर्निंग और इवनिंग में कितना अच्छा यहाँ पर मौसम रहता होगा। आप देख रहे होंगे आज बैकग्राउंड देख लीजिएगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर मौसम हो रखा है और कम गजब वाला। तो आज हम गंगा किनारे आ रखे हैं और गंगा किनारे में आपको दिखाते हैं यहाँ पर यहाँ के व्यूज दिखाते हैं कुछ आपको और कुछ आपके यहाँ पर आपको कलाकारियाँ दिखाते हैं। चलो फिर जो करते हैं फिर दिखाते हैं आपको यहाँ के कुछ कलाकार। तो गाइस इस अद्भुत पिक्चर को देखिए और कलाकारी को देखिए। ये पिक्चर भोले शिव शंकर भगवान की बनाई गई है। देखो कितनी अद्भुत पिक्चर है गाइस, जिसने भी ये कलाकारी की होगी उसके लिए तो एक लाइक तो बनता ही है गाइस। बहुत ही ज़बरदस्त ये पिक्चर बनाई गई है और सामने मैं आपको दिखाऊंगा इसके ये वाला सीन, ये वाला रथ अर्जुन का रथ है, बहुत ही ज़बरदस्त मूवी बनाई गई है चित्र, ये देखिएगा अनादिकाल भोले शिव शंकर। और देखिए ये है भारत माता का मंदिर जो कि 7 मंजिला मंदिर है, आप इसको वीडियो के माध्यम से गिन सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये मकान बनाया गया है यहाँ, मंदिर बनाया गया है यहाँ पर, देखिए एक अद्भुत पिक्चर कलाकारी। आपको एक हॉल दिख रहा हूँ, मंदिर हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पर, और यहाँ पर सारे ऋषि मुनि और साथ में भोले शिव शंकर की फ़ोटो को दर्शाया गया है, ये देखिए गाइस ये हनुमान जी की गुफा है यहाँ पर, ये देखिए। और गाइस अब आपको ले चलता हूँ मैं हरिद्वार के एक ऐसे एरिया पे जहाँ पर कि सुबह और शाम को ऋषि मुनि लोग अपने भजन कीर्तन योगासन या फिर सुबह ध्यान लगाने के लिए इस स्थान पे आते हैं। तो चलो गाइस चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ वो एरिया, यहाँ जल्दी से आपको झलक दिख रहे होंगे। अभी मैं इसके मेन जगह पे जाऊँगा, ये देखिए गाइस। तो गाइस पहुँच चुका हूँ मैं वहाँ पर, ये सीढ़ियाँ हैं नीचे उतरने के लिए और आपको हल्का से यहाँ से व्यूज दिखाता हूँ, ये देखिए गाइस ये देखिए। थोड़ा मैं अभी नीचे चलता हूँ और नीचे चल के आपको नीचे का व्यूज दिखाता हूँ, ये देखिए गाइस। यहाँ पर मॉर्निंग के टाइम पे बहुत साधु संत लोग आते हैं और यहाँ पर अपने योग और ध्यान लगाते हैं, और यहाँ मंदिर के यहाँ नदी के किनारे पे बहुत ही शांत है, यहाँ पर इतना शांत है कि यहाँ पर ये सिटी से बिल्कुल हरिद्वार सिटी से बिल्कुल अलग जगह पे है, ये बिल्कुल उसके जस्ट अपोजिट साइड पे है, और यहाँ पर कोई गाड़ी या फिर अदर किसी भी टाइप का शोरगुल होता नहीं है, जिससे कि संत लोग यहाँ पर अपना आराम से यहाँ पर ध्यान लगा सकते हैं। ये देखिएगा यहीं से गंगा का हरिद्वार में प्रवेश होता है, ये जो जगह देख रहे होंगे आप पीछे बैकग्राउंड पे, ये देखिएगा यहीं से हरिद्वार के लिए प्रवेश करती है माँ गंगा, इधर से ऋषिकेश की तरफ से ये हरिद्वार के लिए प्रवेश कर रही है, ये देखिएगा बहुत ही ज़बरदस्त व्यूज है। और आप बैकग्राउंड में मेरे मेरे जस्ट सामने देख रहे होंगे, और ये सामने आप देख रहे होंगे ये पूरा राजाजी नेशनल पार्क है यहाँ पर, ये देखिएगा
बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है यहाँ पर। इस टाइप इस समय जो यहाँ पर हवाएं चल रही हैं मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत ही मस्त हवाएं चल रही है। और यहाँ पर आनंद जब इस समय दोपहर के टाइम पे इतना आनंद आ रहा है यहाँ पर, तो आप सोच सकते हैं कि मॉर्निंग के और इवनिंग के टाइम पे यहाँ पर कितना ज़बरदस्त और अच्छा मौसम रहता होगा। और ख़ास तौर पर ध्यान और योग करने के लिए तो ऐसे स्थान बिल्कुल ही महत्वपूर्ण हैं जहाँ पर कि आदमी अपने एकांत में ये दोनों काम कर सकता है। ये दूसरी बात बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर हो रखा है।